मेन बोर्ड से गिटार, और ये साइकिल वाला भाई लहराते हुए जा रहा है। Hey guys, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 1:15 के आसपास, और मैं अभी ब्लॉग का स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं आज करीबन 10 दिन के बाद जो ऊपर धूप खिला हुआ है, और पीछे देख सकते हैं रॉयल की बस जा रही है जीडार। और आज मैं आपको मेनपुर से लेके जाऊंगा जीडार, तो बना रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों आज मौसम काफ़ी सुहाना है, और देख सकते हैं धूप के साथ बादल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये है मेनपुर, देख सकते हैं ठीक सामने मार्केट है। और ये जो रास्ता गया है ये जीडार, आपका कुलारी घाट और आपका बोतल धारा। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहीं से, तो चलिए गाइस अपन निकलते हैं। ये है मेन गेट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं मेनपुर से जीडार, और ये देख सकते हैं मैं स्कूटी में बैठ चुका हूँ। तो अपन यहीं से आज का ट्रिप अपन यहाँ से चालू करते हैं, तो बने रहिए संजय प्रिया ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों हम जीडार के रोड में जा रहे हैं, और हमारी स्पीड जो है वो देख सकते हैं मैक्सिमम 20 की है, और मौसम काफ़ी सुंदर है देख सकते हैं। और इधर का पेड़ पौधा और जो खूबसूरती देखते ही बनती है दोस्तों। तो करीबन मैनपुर से जीडार का जो दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर है, और अपन आज इसको कवर करेंगे मैनपुर से जीडार। ये साइकिल वाला भाई लहराते हुए जा रहा है, और सामने देख सकते हैं पहाड़ और बादल का देखते ही बनता है। तो दोस्तों बीच में ये मंदिर पड़ा है, और ये है बजरंगबली का मंदिर, और ये सामने आप ठीक देख सकते हैं शनिदेव का मंदिर, बहुत यहाँ प्रसिद्ध है। और ये है आपका जीडार और कुलारी घाट का रास्ता जो आपका सीधा गया है, और इधर से कट गया है आपका एक और रास्ता जो गांव की ओर ये रास्ता चले जाता है, और हमें ठीक ये सीधा रोड में जाना है। और आप जब भी मैनपुर से जीडार की तरफ आए तो सीधा आप जाते जाइएगा, किसी भी अलग रूट में आपने घुस जाइएगा। तो दोस्तों हम मैनपुर से निकल चुके हैं, और करीबन हम 2.5 से 3 किलोमीटर आ चुके हैं, और बीच में अभी मैं रुका हूँ। देख सकते हैं ये एक पुल है, और मैनपुर से जीडार के बीच आपका करीबन ये चौथा पुल जो पड़ा। और तो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ आपका बोतल धारा जल प्रपात। सो उसका भी हम ब्लॉग करेंगे किसी और दिन। सो आज मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ बोतल धारा का, शायद यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों हफ्ते भर बारिश गिरने के बाद खेतों में देख सकते हैं पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, और ठीक सामने आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपको पानी गिर रहा है झरना टाइप का गिर रहा है वो है आपका बोतल धारा जलप्रपात, और वो काफ़ी यहां फेमस है। हम उसका किसी और दिन वहाँ का हम ब्लॉग बनाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा।
और काफ़ी ये जो पहाड़ियों के बीच से ऊपर गिरता हुआ झरना वाटरफॉल काफ़ी सुंदर मनमोहक लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने लोकेशन में आ चुका हूँ और ठीक पीछे देख सकते हैं ये है जिडार का प्राइमरी स्कूल और मैं यहाँ आया हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जिडार का स्कूल प्राथमिक शाला जिडार और अभी अरे आराम से बेटा। तो अभी लंच ब्रेक हुआ है तो सब बच्चे अभी खेल कूद रहे हैं और ये पहले से पाँचवें तक की क्लासेस यहाँ पर लगता है। और मेरी धर्म पत्नी को देखिए यहाँ बैठ के और सामने देख सकते हैं अमृतों का यहाँ पर मेला लग चुका है और मैं घर से बना के लाया हूँ उनके लिए टिफ़िन जो आप देख सकते हैं ये बैग में है। तो ये देख सकते हैं एक झोला भर के मैं घर से बना के लाया हूँ बना के। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने बनाया है पत्ता गोभी का सब्जी और ये है लाव मतलब लौकी और दाल देख सकते हैं और ये है चावल रोटी और अचार साथ में। तो ये सब चीज़ें रहे होंगे अभी जस्ट छुट्टी हुआ है और अभी टीचरों का काफ़ी हड़ताल वगैरह चल रहा है इसीलिए अभी एक ही मैम और मैडम पूरे स्कूल को संभाल रही है। ये है जिडार का प्राइमरी स्कूल और अभी जो हड़ताल चल रहा है इनका महंगाई भत्ता को लेकर सारे स्टाफ और सारे भी जितने भी मतलब आपके गवर्नमेंट सर्विस वाले जो हैं पूरे हड़ताल किए हैं उनके महंगाई भत्ता और डीए को लेके। तो इनके जो भी मांग है वो जल्द से जल्द उनका पूरा कर दिया जाए ताकि जो भी स्कूल कॉलेज और जो ऑफिस वगैरह का जो काम है वो जल्द से जल्द चालू हो सके। ठीक है आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है तो कैसे लगा ब्लॉग आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा। ओके टाटा एंड बाय एंड सी यू लव यू ऑल।